इंदिरा नगर न्यू बाजीपुरा गली नंबर 2 वार्ड क्रमांक 7। ये हमको पानी की लाइन में गंदा पानी आता था, 12 साल से तकलीफ थी। इमरान भाई ने, हम लोगों ने जाकर वहाँ पर प्रशासन साहब को बोले, इमरान भाई का हमारा साथ था, हम जा जाकर मिलते थे प्रशासन साहब को, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा बीतते बीतते 12 साल हो गए। 12 साल से ये बहुत तकलीफ़ थी, पानी की लाइन, पीने की लाइन में गंदा पानी आता था, जिससे बच्चे बीमार हो जाते थे, बुखार वगैरह, और ज़्यादातर पीले की शिकायत होती थी। अभी तक इतनी परेशानी है, आधी लाइन को तो आधी गली को पानी बिल्कुल नहीं आता। प्रशांत साहब को जाके बोले, यहाँ पर आते बोले हम आदमी भेजते करते, ऐसे चलते रहता। लेकिन अभी इमरान भाई ने कोशिश बहुत करे और इमरान भाई की वजह से काम चालू हुआ है। बाजीपुरा गली नंबर 2 वार्ड नंबर 60। ये गली के अंदर पानी की बहुत तकलीफ़ थी, 12 साल से तकलीफ़ उठा रहे थे। इमरान भाई की कोशिश की वजह से और हमारे गली के कुछ लोगों की कोशिश की वजह से ये लाइन का मसला हल हो रहा है। और कई बीमारियां लग रहे थे, डायरिया हो जा रही थी, पीला हो जा रहा था। अभी समझो ये लाइन हो जाएगी तो ये मसला हल हो जाएगा पानी का हमारा। यहाँ कोई भी मेंबर आता चुन के आने के बाद में दोबारा इधर आता नहीं, गली के अंदर में 5 साल हुए तक के उसकी सूरत भी नहीं दिखती। ये सब बड़े बड़े लीडर आके गए, कोई बड़े बड़े कोई बड़ा लीडर नहीं आया, छोटा लीडर नहीं आया, आए तो सिर्फ इमरान भाई आए। इमरान भाई, आज आपके वार्ड में आपने आवाज़ दी है कि आइए, हमारी कोशिश को कामयाबी मिली है, प्रशांत साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये आज ये जो पानी की जो ये पाइपलाइन हुई, तो तकरीबन ये आपने जैसा हमारे रहवासियों से, हमारे गली के लोगों से, हम 12 साल से कोशिश कर रहे थे, हमारे कने निवेदन है बाजाप्ता इसके, तो हम 12 साल से हम तकरीबन हमारे कने नहीं भी बोले तो 200-300 हमारे वीडियो वायरल हुए हुए ये काम के लेटर है वगैरह है, लेकिन अभी तक हमारा एक काम नहीं हुआ। तो हमने अभी तकरीबन हम एक महीने से कंटिन्यू ऑफिस में राउंड मार रहे थे, तो कोहली साहब है जो MGP के, तो साहब ने हमको आश्वासन दिए थे कि अगले महीने हम आपका काम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले भी गए थे, तो साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और वार्ड के लोगों की मेहनत से और हमारे गली के लोगों ने तकरीबन 12 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, तो अल्लाह के करम से आज हमारी ये पानी की पाइपलाइन का आज ये पूरी खुदाई का काम चालू हो गया। और 2 दिन के अंदर साहब ने बोले हुए हमारे को कि हम आपका नवी पाइपलाइन हम डाल के देंगे। सर, इसके अलावा जो है तो हमारी जो औरंगाबाद की लीडरशिप होती है, वो भी अपने फंड से कुछ पैसे देते हैं, उनसे जब फंड से पैसे मिलते तो और ज़्यादा काम हो जाता है, तो ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं क्या करने वाले? नहीं नहीं, हमारे कने आज तक कोई लीडर ने आज तक हमारे कने पैसे नहीं दिए। नहीं, पैसे की बात नहीं, मतलब कि कोशिश से जैसा भाई फंड बोले तो भाई एक लेटर देते हैं। नहीं, कोई नहीं। आज हम जो है तो आज हम समाज सेवा के नाम पे मैं काम करता बाजीपुरे के अंदर, और हमारे को जो भी गली के अंदर काम रहता है वो गली के लोग हमारे साथ में चलते हैं। आज 1 नंबर से लेके 20 नंबर गली तक तकरीबन लोग हमारे साथ में चलते हैं, और हम इंडिविजुअल हम काम करा के लेते हैं, ना कोई पार्टी से, ना कोई हमारे को पार्टी ने कोई सपोर्ट नहीं करी आज तक हमारा। फिर भी आने वाले चुनाव हो सकता है, आपने समाचार पत्रों पढ़ा है बारिश के बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आपके तरफ से वार्ड के लोगों को कुछ संदेश देंगे आप, कुछ मशवरा? नहीं, मैं वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहता कि भाई आप ये लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दो जो वार्ड के अंदर काम करता, कि ना कि जो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से आ रहा और टिकट ले ले रहा, पैसे दे के टिकट ले लेते और बाद में उनके जो है तो अच्छे उनके एक से एक उनके भाषण सुनाते वो कौम के इसके उसके, और उसको कौम के उनके बात था सिर्फ टाइम जी इलेक्शन जीते तक उनके बात चलते, और उसके बाद में वो ना गलियों के अंदर आते ना वार्ड के अंदर आते। आज हमारे गली के अंदर आप देख सकते हैं नीचे जो अपसी थी, 5 साल हो गए अपसी को बनता, तो आज हमने वही गली के लोगों ने पूरे 5 साल से मेहनत करके 5 साल के बाद हमने अपसी चालू करा के लिए। कोई लीडर नहीं आता हमारे गलियों के अंदर, कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आज ये जो गली के अंदर जितने भी हमने जो भी काम कराते गलियों के अंदर, तो वार्ड के लोग जाके कराते, कोई लीडर हमारे कने नहीं आता। अभी इलेक्शन नज़दीक आन दो, तुम जो नए पहचानने वाला भी इनसे रिलेशन निकालना चालू कर देंगे। इमरान भाई, अभी आपने कहा है कि 10-12 साल से काम नहीं हो रहे थे, तो आखिर काम रुकने की वजह क्या थी? 10-12 साल काम नहीं होते साहब, यहाँ पे कैसा है बोलूँ क्या? अभी 1680 करोड़ रुपये जो आए हुए MGP के वहाँ जी, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे है ये काम के अंदर जो काम नहीं कर रहे थे हमारे बाजीपुरे के अंदर। 2-3 बार ये पाइप आके चले गए थे, साहब लोगों ने क्या बोले अपने को कि यहाँ पे बाजीपुरे के पाइप आके चले गए, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर है अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो चौधरी जो आए हुए हैं, तो उनको भी फ़ोन करके डराया धमकाया जा रहा है कि तू बाजीपुरे में काम कैसा कर रहा, काम मेरा था, क्या बोल रहे हो? ज़्यादा था 2 नंबर गली, हाँ ये पूरे गलियों के अंदर क्या कर रहे अभी कि डरा रहे वो काम करने वालों को। वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ के MGP के अंदर ही, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो बोगस कॉन्ट्रैक्टर है। हमने इसके पहले भी साहब लोगों को बोले थे कि वो बोगस कॉन्ट्रैक्टर के हमारे अच्छे बाजीपुरे में काम नहीं होना, लेकिन आज जो बंदा जो काम कर रहा हमारा
उसको भी फोन ना करके धमका रहे कि भाई तू बैजीपुरे के अंदर काम कैसा कर रहा, तो ये काम ऐसा कर रहा तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग है तो वो उनके घर के पैसे ला के देंगे क्या, उनके लीडर पैसे ला के देंगे। ये काम के अंदर सिर्फ अड़ताड़े लाते, बैजीपुरे के अंदर कोई काम नहीं करता। अड़ताड़े लाने को दे उनको, अभी ये ओपनिंग अच्छा हो गया कि हमने ये इस पर डाले नहीं, हमने ये न्यूज़ पे नहीं डाले पहले, अच्छा। क्योंकि हम लोग गए थे, नहीं तो वो उनके लीडरों को ला के यहाँ पे उद्घाटन भी करके करने को कम नहीं करते थे। अभी हमारे कहने लेटर है गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 20 तक, वार्ड नंबर 60 का पूरा साहब ने हमारे नाम से लेटर इशू कराए, नहीं तो वो क्या करते थे। अभी हमने गलियों के अंदर हम बता रहे नहीं कहाँ काम चालू कराने वाले, नहीं तो वहाँ पर उनके लीडरों को ला के 9 बजे उद्घाटन भी कर देते। तो भाई जैसा आपने कहा कि ठेकेदारों को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा था, तो उसकी कंप्लेंट आप पुलिस पे क्यों नहीं कर रहे फिर? नहीं, अब हमने साहब को बोले हुए हैं, ऊपर भी हमने साहब से बात करी कि जो अड़ताड़ा लेंगा तो गली वाले उनको देखेंगे और हम उसकी कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन के अंदर करेंगे। क्योंकि ये काम कराने वाले ये काम तो कराते नहीं, हमारे वार्ड के थे वो काम तो कराते नहीं, लेकिन अड़ताड़े पहले ला के डालते। कब से अड़ताड़े आ रही है अपने को बैजीपुरे के अंदर? कम से कम 5 साल से इतना सता रहे, जहाँ काम होने चालू काम चालू होता आता लेकिन काम को रोक देते, बस आ रहे, कोई कोई लीडर आता काम को रोक देता। देख रहे आप क्या बोल रहे, सिर्फ आ रहे और कुछ ना कुछ जो चुप चुप के है वो आके बस आके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को डराना धमकाना कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टर पूरे परेशान हो गए। अभी ये जो MGP का जो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उसको फ़ोन करके बोल रहा काम मैं करूँगा बैजीपुरे के अंदर, जबकि वो बोगस कॉन्ट्रैक्टर है। हमने 50 बार बोल दिए गली के लोगों ने सब ने, तो बोगस कॉन्ट्रैक्टर की आपने कंप्लेंट कराई कभी? नहीं बोले ना हमने साहब लोगों को, हमने ऊपर भी साहब लोगों को बोले, साहब लोगों ने बोले भाई हम तुम्हारे को ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर हम तुम्हारे को काम करा के देंगे, जो हमारे को पूरे बैजीपुरे के अंदर ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर होना जो हमारे बैजीपुरे के अंदर अच्छा काम करके दे सकता। जो इसके पहले जो अपने जो समांतर के जो पैसा आया था जी, तो समांतर के अंदर पूरा डिस्प्यूट काम हुआ है हमारे गलियों के अंदर, बैजीपुरे के अंदर तकरीबन नहीं भी बोले तो 75% है गलिया जिसके अंदर पाइपलाइन समांतर की डाली नहीं गई, जबकि इसका मेजरमेंट हो गया था, यहाँ पे पाइपा आके उतर गए थे, पहले पाइपा आ गए थे ना, हाँ समांतर के पाइपा आ गए थे ना, हाँ ये पूरे गली वाले गवाह है इसका, हाँ पूरा मेजरमेंट हो गया था, पूरे पाइपा कहाँ चले गए, कहाँ बिक गए, क्या घोटाले कर दिए और फिर से वही हो रहा था, तो हमने बोले कि भाई ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर हमारे को दो। जैसे आपने कहा कि घोटाला हुआ था, इसकी कंप्लेंट आपने पुलिस में क्यों कराई फिर? अब हमारे को आश्वासन दे दिए थे ना, हम ये लेके जा रहे आपका काम कर देंगे काम कर देंगे, इसके बाद में हमको बाद में मालूम पड़ा कि ये पूरे पाइपा बिक गए बोल के। इस तरह से आपने देखा हम बाजीपुर आए हैं, वार्ड नंबर 60 में आए हैं, सारी बात आपके सामने है और गली नंबर 2 में आए हुए हैं। और एक साहब ने बहुत अहम जानकारी दी है कि हमारे गंदा पानी की वजह से बच्चों को उल्टियाँ हो रही है, संडास हो रही है, बीमारियाँ हो रही है और आने वाला महीने बारिश का भी है। तो हम कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं, तमाम नेताओं से गुजारिश करते हैं और इमरान बेग जैसे तमाम वार्डों में अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाने वाले सोशल वर्कर जो कह रहे हैं चुनाव भी लड़ने वाले हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हमने सुना है कि 60 लाख 80 लाख का जो फंड आया हुआ है आप हर वार्ड में आया हुआ है, तो आप देखिए आप ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, आप करा नहीं सकते, तो कम से कम एक मानवता के आधार पर, जबकि गवर्नमेंट पूरा पैसा दे रही है, ड्रेनेज की लाइन है, पाइपलाइन है, सारी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो कम से कम बहुत मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ, ईमानदारी के साथ उतना करा दीजिए। क्योंकि अगर ये गरीबों को अगर साफ पानी मिलेगा ना तो इनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, उल्टी नहीं होंगी, संडास नहीं होंगे, खाई नहीं होंगे, इनके जो मेहनत से कमारे पैसे वो दवाखाने में नहीं जाएंगे तो वो दुआ भी आपको लग जाएंगी। क्योंकि आप कोई को ज़्यादा कर नहीं सकता, लोन आप दिला नहीं सकते, नौकरी आप दिला नहीं सकते, बहुत बड़े आप करा नहीं सकते, ये कड़वा सच है। तो कम से कम जो बोलते ना फूल नहीं फूल की पकड़ी सही, जो पैसे आ रहे हैं तो कम से कम ईमानदारी साथ वो करा दीजिए, क्योंकि इसका भी आपको दुआएं मिलेंगी। इलेक्शन में हम देखते हैं बहुत धूमधाम होती है, गली गली जाते हैं और क्या खर्चा नहीं होता है आपको मालूम है, आप इशारे में समझ जाइए। ये भी काम ईमानदारी से करा दीजिए ना तो उनकी दुआएं निकल जाएंगी, और जब दुआएं निकलेंगे ना तो आप चुन के आ जाएंगे। हर मामले में एक ताकत होना, मेरे पीछे माफ होना, एक बड़ी पार्टी का लीडर होना, बड़ी पार्टी का टिकट होना, ऐसा नहीं है। आपकी नीयत भी देखी जाती है, लोगों की दुआएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि आज लोग परेशान हो गए। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ के लोग 300-400 रोज कमाने वाले हैं और एक एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं और ये ख़राब पानी आएगा, वो ख़राब पानी पीएंगे, उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे, वो बीमार पड़ेंगे, घर किराए के रहते हैं, उनका दिल क्या बोलता होगा साहब, फाका कशी की नौबत आती है, किराए भाड़े की नौबत आती है, परेशानियाँ आती है। तो ख्याल करो आप, ये साफ पानी पीएंगे ना बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके पैसे दवाखाने बच जाएंगे, वो पैसे पेट को खाएंगे, टाइम बाई किराए देंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आपको दुआएं देंगे, ये एक साफ सुथरी बात है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप कितने पे हथकंडे आजमा लो, वो देख रहा है आपके दिल को और नीयत को,
आपको बराबर लोकशाही मार्ग से फटका पड़ेगा, आपको उसका सबक मिलेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे और लोगों की दुआएं भी लेंगे और काम करेंगे।